किया है बीटीसीटी टेस्ट है जो बाकी थ्योरी में करनी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ओके। उसके बाद थोड़े डिसीज भी आएंगे, दो तीन आएंगे वो है ना, वो बाकी है। लेकिन ब्लड कोगुलेशन का नॉर्मल फिजियोलॉजी हम लोगों को पता है, हिमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशन, राइट। तो आज हम करेंगे दो टेस्ट, एक होगा आपका बीटी दैट इज ब्लीडिंग टाइम, एक होगा सीटी जो होगा आपका क्लॉटिंग टाइम। पहले समझाता हूँ कैसे करेंगे। दिस इज अ फिल्टर पेपर, प्रिक करना सबने सीख लिया है। अप्लाई द स्प्रिट, वेट टिल इट ड्राई, ड्राई होने देना है, देन यू प्रिक। प्रिक करोगे उस टाइम पे टाइम शुरू करना है टाइमर में, दैट इज 0 सेकंड, देन आफ्टर 30 सेकंड यू विल टच योर फिल्टर पेपर टू दी ब्लीडिंग साइट। यहाँ पे तो यहाँ जहां ब्लीड आ रहा है वहां पे आप टच करवाओगे। वंस अगेन इसको प्रेस नहीं करना, दबावानू नहीं, यहां रख के भी यहां प्रेस नहीं करना। जो ब्लड बाहर आ रहा है वो ही फिल्टर पेपर पे टच होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं, है ना। तो ब्रेक किया, स्टार्ट किया 0 सेकंड, विल टच हियर 30 सेकंड, ओके। 1 सेकंड 30 सेकंड हुआ, 1 मिनट अगेन 30 सेकंड यहाँ पे टच किया, देन 30 सेकंड 30 सेकंड। कब तक करोगे? जब तक ब्लड यहाँ पे स्पॉट बनाएगा तब तक, है ना। लास्ट में स्पॉट नहीं बनेगा तब तक करना है, ओके। एवरी 30 सेकंड इंटरवल आपका हो गया। हाँ तो घूमो मत, हो गया तो निकल जाओ। हाँ ओके, और आफ्टर 30 सेकंड यू हैव टू टच द फिल्टर पेपर, जब तक स्पॉट नहीं आए तब तक, क्लियर। जहां स्पॉट आए वहां राउंड करोगे, टाइम लिखोगे 30 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट। लास्ट में जहां स्पॉट नहीं आया, वापस लास्ट बैच में बहुत हुआ था, जहां लास्ट में स्पॉट नहीं आएगा, जहां ब्लड का स्पॉट नहीं आएगा वहां पे भी आप राउंड करोगे और वहां पे टाइम लिखोगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले तक आपका ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ था। जब ब्लीडिंग स्टॉप होगा वो टाइम आपको गिनना है, ब्लीडिंग टाइम, क्लियर ओके। चलो कौन आएगा वॉलंटियर? एक वाले पहले आप आ गए हो, पहले ब्लड लिया है पहले? हाँ, अगर एक बार आ गए तो उसी बार नहीं आएंगे, ऑलराइट आ जाओ। चलो ये चेक कर दो, लैंसेट लेके आना अपना खुद का, और घड़ी किसके पास है, कौन देखेगा? कल्याणी घड़ी देखेगी टाइम? हाँ ओके, कल्याणी मैं बोलूं जो स्टार्ट तो स्टार्ट करना, ओके। और एवरी 30 सेकंड मुझे बोलना है कि सर 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, क्लियर ओके। थोड़ा इसे नाउ देखो, डिपेंडिंग ऑन के कितना ये पकड़ो, डिपेंडिंग अपन कितना डीप कट हुआ आपका, ये लैंसेट में उसका पॉइंट बहुत ही छोटा है तो बहुत डीप नहीं जाएगा, ब्लड इतना ज्यादा नहीं आएगा। अगर निडल से करोगे तो बहुत ज्यादा ब्लड आएगा, है ना। तो हम लैंसेट से करें तो इतना ब्लड बाहर ज्यादा नहीं आएगा। शुरू में आप प्रेस कर सकते हो, बीटी की बात कर रहा हूं ओके। लेकिन फिर जब एक बार कट हो गया फिर उसके बाद प्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस चालू होगी, है ना। याद है हिमोस्टेसिस, थ्री स्टेज ऑफ हिमोस्टेसिस, याद है किसी को? बोलो, कौन बोलेगा? यस हरिता ना सर, यस बोलो। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिन, स्टेज ऑफ हिमोस्टेसिस, वैसोप्लाज्म, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। पहला होगा वाजो कंस्ट्रिक्शन, सेकंड प्लेटलेट ब्लड फॉर्मेशन, है तो आप दबाओगे तो वो जो प्रोसेस होगी वो नहीं होगी, तो यू डोंट हैव टू प्रेस इट। कल्याणी जब मैं बोलू तब ये फिंगर था, ये फिंगर था, जब मैं बोलू तब टाइम स्टार्ट करना, ऑलराइट स्टार्ट।